हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम के बाद मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के बारे में है। तो इस बार मैंने अन अकेडमी का एक ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया है। तो देखो ऑफलाइन सेंटर में मुझे बहुत सारे किट और कुछ आइटम्स मिले। तो सबसे पहले मुझे मिला ये बैग। अगर आपको नहीं पता तो अन अकेडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर सकते हो, जैसे JEE नीट एंड ऑल, या आप 11th 12th के हो, 6th to 12th तक आप कुछ भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। सो इसमें आपको एक बैग मिलती है विद वारंटी कार्ड। और ये देखो इस बैग के अंदर आपको सिर्फ बहुत सारे अलग अलग किट भी मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हो तो आपको अन अकेडमी स्टडी मटेरियल ज़रूर प्रोवाइड करता है। अगर आपको अन अकेडमी के बारे में कुछ नहीं पता, आप जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसकी अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी कि अन अकेडमी के फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, ऑफलाइन फ़ी क्या है, ऑफलाइन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, या ऑफलाइन में क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या फ़ीचर्स है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। सो आपको इसके साथ एक टी शर्ट भी मिलता है जिसमें लिखा है लेट्स क्रैक इट एंड अन अकेडमी का एक लोगो रहता है। तो ये कुछ चीज़ें मिलती हैं। आपको बैग में और भी बहुत सारे सामान मिलते हैं। तो मुझे एक वाटर बॉटल भी मिला। तो ये वाटर बॉटल LED वाटर बॉटल स्मार्ट कप LED है। इसमें आपको लिखा है फ्यूल ऑफ चैम्पियंस और इसमें भी अन अकेडमी की लोगो है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बैग में मिली। इसके साथ साथ मुझे बैग में कुछ और भी सामान मिले हैं। तो ये बॉटल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ही, और टी शर्ट्स आपको अपने साइज़ के मिलते हैं। उसके बाद मुझे मिला ये स्टडी प्लानर, या आप इसे एक नोटबुक या डायरी कुछ भी कह सकते हो, जिसमें आप अपना प्लानिंग या कुछ भी नोट कर सकते हो। फिर साथ ही साथ मुझे एक पेन भी मिला अन अकेडमी के लोगों के साथ। फिर मुझे कुछ स्टिकर्स मिले। तो स्टिकर्स में मुझे दो या तीन स्टिकर्स पैम्पलेट मिले हैं। तो ये आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। तो ये स्टिकर्स बस ऐसे आपको फ्री बीज के तौर पे दी जाती है। तो उसके बाद मुझे एक किट मिला, मुझे दो किट मिले एक्चुअली, क्योंकि मैंने NEET UG का सब्सक्रिप्शन लिया, NEET UG ज्वाइन किया ऑफलाइन। तो उसमें मुझे 11th और 12th दोनों का किट मिला, बट फिलहाल मैं 12th का लेके आई एंड 12th में टोटल मुझे 47 बुक्स मिले हैं तीनों सब्जेक्ट के। तो एक्चुअली अन अकेडमी अपने जो बुक्स है उसको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी फिजिक्स में अगर आपको एक पूरा चैप्टर है तो एक पूरे चैप्टर का एक सिंगल बुक ही उन्होंने बना दिया। इसी तरह करते करते सारे चैप्टर्स के अलग अलग उन्होंने बुक तैयार कर दिए, ताकि आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ईजिली हर चीज़ पढ़ सको और आपको पढ़ना और ईजी हो जाए। इसलिए उन्होंने सारे टॉपिक्स और चैप्टर को अलग अलग बुक की तरह डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको जो पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा ईजी बन जाए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा, ताकि मुझे एक ही पूरे बुक ना पढ़ना पड़े, मुझे अलग अलग टॉपिक्स के बुक मिल गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है पढ़ने में। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अन अकेडमी के बारे में, कॉमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।